हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अरियन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th NIOS इंग्लिश चैप्टर 18 द लिटिल गर्ल। देखो ये चैप्टर हम पूरा पॉइंट वाइज पूरा कंप्लीट करेंगे, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, और सब समझ में आ जाएगा आपको। लास्ट में हम चार क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो लेट्स गो। सो हम इसमें पॉइंट वाइज है पूरा, सो पूरा समरी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, केजिया द लिटिल गर्ल लिव विद हर पेरेंट्स एंड हर ग्रैंड मदर। तो ये स्टोरी बेस्ड है एक छोटी बच्ची के ऊपर जिसका नाम है केजिया। तो ये रहती है अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी ग्रैंड मदर के साथ। सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ग्रैंड मदर, हर पेरेंट्स स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद हर। केजिया को उसकी ग्रैंड मदर यानी कि उसकी दादी बहुत प्यारी थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स के साथ उसका टाइम स्पेंड बहुत कम होता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है। हर फादर वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, सी नेवर फेल्ट कम्फर्टेबल विद हिज प्रेजेंस, बिसाइड्स ही नेवर एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर हर। सो जो केजिया के फादर है यानी कि उसके पापा है, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं और लोगों को डिसिप्लिन में रखते हैं। ठीक है, सी नेवर फेल्ट कम्फर्टेबल इन हिज प्रेजेंस। लाइक जो केजिया थी उसको कभी भी कम्फर्टेबल नहीं लगता था। लाइक छोटे बच्चों में थोड़ा होता है ना, मस्ती करेंगे, तो वो अपने फादर के सामने कभी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके फादर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते थे और कभी प्यार जताया नहीं। ठीक है, सी वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ हिम, वंस ही डिस्ट्रॉयड सम ऑफ हिज इंपॉर्टेंट पेपर्स ही गेव हर अ गुड बीटिंग। वो अपने पापा को बहुत डरती है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि उसने अपने पापा के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स उसने फाड़ दिए थे या फिर ख़राब कर दिए थे, तो उसके पापा ने उसको बहुत पीटा था। ठीक है, वन डे हर मदर फेल इल एंड सो बोथ हर मदर एंड द ग्रैंड मदर हैड टू स्टे इन द हॉस्पिटल। तो एक बार क्या हुआ कि केजिया की मॉम बीमार पड़ गई, इसलिए केजिया की मॉम को एंड केजिया की ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल में रहना पड़ा था, और केजिया अकेले घर पे थी। वही हम आगे पढ़ेंगे। केजिया वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, सी वॉज वेरी स्केयर्ड और टू स्लीप अलोन। वो केजिया जो थी वो घर में अकेली थी और उसे अकेले सोने में बहुत डर लग रहा था। सी हैड अ नाइट मेयर, शी गॉट अप इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड वॉन्टेड टू बी विद हर ग्रैंड मदर। तो केजिया जो थी वो रात के बीच में आधी रात वो नींद से उठ गई, क्योंकि उसने बुरा सपना देखा और उठते ही उसको अपनी दादी के पास जाना था, ग्रैंड मदर के पास जाना था। ठीक है, हर फादर हर्ड हर स्क्रीम्स, रश टू हर रूम, टुक हर इन हिज आर्म्स एंड हग्ड हर एंड पुट हर टू स्लीप। सो जब केजिया के फादर ने केजिया को चिल्लाते हुए सुना, तो वो जल्दी से केजिया के घर गए, केजिया को अपने केजिया के रूम में गए। तो जो केजिया के फादर थे उन्होंने जब केजिया को चिल्लाते हुए सुना, तो वो जल्दी से केजिया के रूम में गए और उसको अपने हाथों में अपने लाइक हग कर लिया एंड फिर से उसे सुला दिया। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम। केजिया देन रियलाइज दैट हर फादर डिड लव हर एंड केयर फॉर हर। सो केजिया थी तब उसको समझ में आया कि उसके फादर उसको प्यार करते हैं बहुत और उसके बारे में बहुत केयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पॉजिटिव रिस्पांस एंड नेगेटिव रिस्पांस। पॉजिटिव रिस्पांस क्या है? हर मदर मे हैव रियलाइज्ड दैट हर डॉटर वाज फीलिंग लोनली इनसिक्योर एंड वाज लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, शी माइट टॉक टू हर हस्बैंड टू चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स केजिया। सो जो पॉजिटिव रिस्पांस ये है कि जो केजिया की मॉम थी उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा लोनली यानी कि अकेलापन, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर एंड अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रही है, इसलिए उनको अपने हस्बैंड से बात करना चाहिए ताकि वो केजिया के लिए अपना एटीट्यूड चेंज कर सके। नेगेटिव रिस्पांस, सी माइट हैव इग्नोर्ड केजियाज प्रॉब्लम एंड सजेस्टेड दैट ग्रैंड मदर वॉज देयर टू टेक केयर ऑफ हर, फादर वॉज टू बिजी टू गिव हर टाइम एंड मदर हैड टू टेक केयर ऑफ हिम। सो नेगेटिव रिस्पॉन्स ये है कि जो केजिया की मॉम थी उन्होंने केजिया की प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया और उनकी ग्रैंड मदर को ये सजेस्ट किया कि वो केजिया की केयर करे। ठीक है, केजिया का ध्यान रखे, क्योंकि जो केजिया के फादर थे उनके पास केजिया का ध्यान रखने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बिजी थे और केजिया के फादर का ध्यान रखने के लिए केजिया की मॉम थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, यहाँ से होता है क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। सो देखो, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। ठीक है, और यही वाले क्वेश्चन पढ़ के जाना, कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट एकदम, बहुत बहुत चांसेस होते हैं कि ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, पढ़ते क्वेश्चन नंबर वन। राइट केजिया फीलिंग अबाउट हर फादर, पिक आउट द एक्सप्रेशन फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, जो केजिया के फादर है, केजिया की फीलिंग क्या थी उसके फादर के टुवर्ड्स। ठीक है,
और ये पूरा हमको बताना है, पूरा एक्सप्लेन करना है. सो इसका आंसर ये है, द क्रेजीएस्ट फीलिंग ऑन हर फादर इज दैट हर फादर इज वेरी ह्यूज एंड हिज माउथ इज सो बिग. ऑन एवरी संडे हर फादर विल स्लीप ऑन सोफा विद हिज पिलो. शी फील्स दैट हर फादर इज लाइक अ बीस्ट. हर ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हर पेरेंट्स. तो जो केजिया की फीलिंग थी उसके फादर के टूवर्ड्स, उसके फादर के लिए, कि उसके फादर बहुत बड़े हैं, उनका मुंह बहुत बड़ा है. हर संडे जब वो सोफ़ा के ऊपर सोते हैं अपना पिलो लेकर, उसे लगता है कि उसके फादर एक बीस्ट है, ठीक है. और जो उसकी ग्रैंड मदर है ना, वो हमेशा केजिया को इनक्रेज करती थी कि वो अपने पेरेंट्स से बात करे. नेक्स्ट आते हैं, वट वॉज द रियल रीज़न बिहाइंड केजिया सट्री. तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसा क्या रीज़न होगा जिसके वजह से केजिया इतनी हकलाती थी, अपने फादर के सामने इतना डरती थी, हिचकिचाती थी, ठीक है. तो ये इसका आंसर पढ़ते हैं, शी स्टटर इन फ्रंट ऑफ हर फादर बिकॉज हर फादर वॉज अ फिगर ऑफ फियर इन हर सोल एंड वेन शी टॉक टू हिम सी ऑलवेज ट्राइज टू से वर्ड्स प्रॉपरली बट ड्यू टू बींग अफ्रेड ऑफ हिम सी स्टटर्स. देखो, जो केजिया के फादर थे, तो केजिया के फादर केजिया के लिए बहुत ज़्यादा डरावने थे, ठीक है. केजिया के मन में एक चीज़ घुस गया था कि उसके फादर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है. तो नेक्स्ट आता है, केजिया पेरेंट्स नेवर इनक्रेज हर टू हैव एन ओपन कन्वर्सेशन विद हिम. गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट. केजिया, तो देखो, केजिया के पेरेंट्स ने कभी भी केजिया को इनक्रेज नहीं किया कि एक ओपन कन्वर्सेशन करें, एकदम खुल के बातचीत करें. तो ये इसका ही हमको एग्जाम्पल देना है फ्रॉम द टेक्स्ट जो भी हमने पढ़ा, ठीक है. तो इसका आंसर पढ़ते हैं, केजिया वॉज स्केयर्ड ऑफ हर फादर एंड देयरफॉर डिड नॉट फील फ्री विद हिम. इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. तो देखो, इस आंसर का मतलब ये है कि जो केजिया थी वो अपने फादर से बहुत डरती थी, ठीक है. और वो कभी भी अपने इसी चक्कर में वो कभी भी अपने फादर से फ्री लिए, लेकिन एकदम खुल कर बात करने में उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती थी. इसमें एक टेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें एक लाइन दी हुई है, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. इसी से हमको पता चलता है कि वो कितनी डरती थी अपने फादर से. तो नेक्स्ट आता है, केजिया ग्रैंड मदर बिलीव दैट केजिया वुड फॉरगेट द पेन बाई नेक्स्ट मॉर्निंग. वॉज शी राइट? पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर. तो केजिया की ग्रैंड मदर को लगता था कि वो अगले दिन, अगली सुबह अपने दर्द को भूल जाएगी केजिया, यानी कि वो जो डर है ना उसके फादर के लिए, वो सब भूल जाएगी. तो इसका आंसर पढ़ते हैं, नो, ग्रैंड मदर वॉज नॉट राइट टू बिलीव दैट केजिया वुड फॉरगेट द पेन बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग बिकॉज केजिया नेवर फॉरगॉट द नेक्स्ट टाइम वेन शी शॉ हर फादर शी क्विकली पुट बोथ हर हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड हर चीक्स बिकेम राइट. देखो, जो उसके ग्रैंड मदर को लगता था कि केजिया अगले सुबह ये सब भूल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं था. क्यों? क्योंकि देखो, जब भी केजिया अपने फादर को देखती थी, वो अपने हाथ पीछे कर लेती, ठीक है, और उसके गाल एकदम लाल हो जाते, यानी कि थोड़ा डरती थी, थोड़ा शर्माती थी. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो, सारे क्वेश्चन समझ में आ गया, सारे नोट्स समझ में आ गए. तो देखो, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, सारे सब्जेक्ट के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेबसाइट में अपलोड कर दिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत चीप प्राइस में मिलेगा, ठीक है. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, सो जस्ट कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.